सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है अब तो बिहार इंडिया के घटक दल ने भी इसकी मांग रख दी है हम प्रवक्ता दानिश रजवान ने कहा कि शाहबुद्दीन के इंतकाल के बाद आरजेडी ने उनके परिवार के लिए कुछ नहीं किया ऐसे में हिना साहब को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर उन्हें सांसद बनाना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को राज्यसभा में इस बार हिना साहब को भेजना चाहिए जिससे अजीब उस क्षेत्रीय जनता जहां वो लोकप्रिय हैं वो काफी खुश होंगे साहबुद्दीन जब तक जिंदा रहे लगातार राजद के झंडा को उन्होंने ढोया आज तक राजद ने इंतकाल के बाद उनके परिवार के लिए कुछ नहीं किया राजद लगातार अपने आप को मुस्लिम समुदाय का हित बताता है अब समय आ चुका है कि मिसा भारती के बदले वो हिना साहब को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जिससे मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधित्व राज्यसभा में बिहार का होगा और समाज काफ़ी खुश होगा हिना साहब को राज्यसभा भेजने की तैयारी हिना साहब को राज्यसभा भेजने के राजद के मांग विधायक भी कर रहे हैं रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव से बात कर चुका हूं एक बार फिर मिलकर मैं मांग करूंगा वहीं सदर विधायक जो राम के हैं उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी को इस पर विचार करना चाहिए इसी बीच हिना साहब एन नेताओं के साथ मंच भी साझा करती दिखी बीजेपी नेताओं के साथ हिना साहब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पचहत्तरवां आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष समेत बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जडयू के कई विधायक के साथ राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने पहली बार मंच साझा किया बता दें कि आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शाहबुद्दीन ने की थी बीजेपी की छवि बदलने की तैयारी एनडीए नेताओं के साथ बड़े मंच पर हिना साहब मंच साझा करते दिखे जिसके बाद उनके कई मायने निकाले जा रहे हैं कहीं ऐसा नहीं तो एनडीए की हिना साहब को राज्यसभा भेजकर या बड़े पद का सम्मान देकर बिहार में कई नई इबादत लिखी जो कि मुस्लिमों की हमेशा मांग रही है और उससे राजद हमेशा किनारा करती आई है यही नहीं अंदर ही अंदर राजद और मुसलमानों को सिर सिर्फ इस्तेमाल करने का भी आरोप कई बार सोशल मीडिया पर लग चुका है तेजस्वी से कहीं नाराजगी तो नहीं पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन के निधन के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में रहते हुए उनके में शामिल नहीं हुए इसकी भी नाराजगी एक बड़े तबके में आज भी है राज्यसभा या बड़े पद के लिए मना लिया तो क्या बिहार में मुसलमानों के राजद से महोबन या पहले जैसा प्यार चुनाव में अपने लुटाकर राजद पर बरसाएगी खैर जो, जो भी ये आने वाला है वो तो समय ही बताएगा खैर इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा धन्यवाद Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.